आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। नवरात्र की कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी को। माँ चंद्र घंटा आप सभी पर अपनी कृपा और करुणा बरसाएं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इसी देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का विधान है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। तो यह थी माँ चंद्र घंटा की पावन कथा। भक्तों, प्रेम से कहिए माँ चंद्र घंटा की जय हो। Sonodec Video.